अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द ऑरेंज शॉर्ट्स। वेलकम बैक टू वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज सून इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू डेज आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई एम गोइंग होम। सो दैट्स अ रियली 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 एक्साइटिंग थिंग दैट हैज़ हैपन टू मी, क्योंकि तकरीबन 8 महीने हो गए मुझे इस जहाज़ पर, नॉट विलिंगली ड्यू टू कोरोना वायरस। एवरी कंट्री हैड देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, और मैं साइन ऑफ नहीं कर पाया। मैं इस जहाज़ के बारे में और शिपिंग के बारे में वीडियोज़ बनाता ज़रूर रहूँगा, बट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई वोंट बी देयर ऑन द शिप एनी मोर। लेकिन इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। एंड बाय द वे, सनसेट इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली ऑसम, और उसके बिल्कुल साथ एक जहाज़ जा रहा है। आई लाइक टू शो यू दैट, इज़न दैट लुकिंग ऑसम? अच्छा लग रहा है ना। तो जाते जाते मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की एक रिक्वेस्ट और पूरी कर दी जाए। आई बीन रिसीविंग द रिक्वेस्ट कि मैं आप लोगों को अपनी कैबिन की वीडियो दिखाऊँ, मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ कि हाउ माई कैबिन इज़, मैं खुद कैसे रहता हूँ, हाउ इज़ माई अकोमोडेशन। सो आज मैं आपको अपने कैबिन का टूर कराऊंगा एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट डू आई हैव और व्हाट डू आई हैव नॉट इन माय कैबिन। तो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे, द सनसेट इज रियली लुकिंग ऑसम, बहुत प्यारा लग रहा है, ऑसम। सुबह सुबह दिस इज माय फेवरेट स्पॉट, पीछे ये जो इतना बड़ा पोर्ट होल है, इट इज़ वेरी नाइस। और अभी जैसे हम फुजैरा की तरफ जा रहे हैं तो उसका मतलब है सूरज इज़ ऑन द बैक साइड, और सामने से बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है एंड आई रियली लाइक इट। तो यहाँ बैठ के चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है। फोटोज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने कमरे के, इट्स लाइक यू नो अ विंडो टू द आउटसाइड। आपको हर वक्त बाहर की हर चीज़ नज़र आ रही होती है, यू कैन सी द फुल डेक, यू कैन सी द सी, आई लाइक दैट। तो भी हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये सीधे सीधे के जस्ट बिलो द ब्रिज, मेरे बिल्कुल ऊपर ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर वो मंकी आइलैंड है जिस जगह से मैं भी चल के आया हूँ। सीधे के ऊपर स्टार्बर्ड साइड पे, यानी कि राइट साइड के ऊपर मेरा नॉर्मली कैबिन होता है हर जहाज के ऊपर। दैट इज़ वाई दे कॉल कैप्टन इज ऑलवेज राइट, बिकॉज कैप्टन कैबिन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शिप। माई अकोमोडेशन इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम माई कैबिन, इससे पहले भी एक दो चीज़ें होती हैं विच बिलोंग टू द कैप्टन ऑफ द शिप। इसमें एक चीज़ ये है, दिस इज कॉल्ड एज द कैप्टन पेंट्री, और उसके पीछे कैप्टन ऑफिस है, और राइट साइड पे यहाँ पे दिस इज़ माई डे रूम एंड द बेडरूम। सो दिस प्लेस वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, दिस इज द कैप्टन्स पेंट्री। अभी हम अंदर आ चुके हैं और कैप्टन्स पेंट्री के अंदर ये बेसिकली मुझे एक वॉशिंग मशीन दी गई हुई है ताकि मैं प्राइवेटली अपने कपड़ों को धो सकूँ, अगर मैं नीचे नहीं धुलवाना चाहता तो आई कैन ऑलवेज वॉश देम हेयर। उसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी जगह ये दी हुई है, इसमें एक वॉश बेसन है, सिंक है। टॉप के ऊपर यहाँ पे ये बेसिकली ग्लासेस रखने की जगह है, तो ग्लासेस मैंने सारे हटवा दिए हैं बिकॉज आई वॉज नॉट इवन यूजिंग दैम, बट दिस इज अ प्लेस वेर आई कैन कीप दैम इफ आई वॉन्ट फॉर माई गेस्ट्स। इसी में हम अगर बिल्कुल अपोजिट साइड पर आ जाएँ तो यहाँ पे एक ओवन मौजूद है इफ आई वॉन्ट टू हीट अप सम थिंग्स। छोटी सी कैबिनेट्स हैं यहाँ पे स्टील की, वेर आई कैन कीप अ फ्यू थिंग्स, ड्राई थिंग्स, आई कैन कीप सम मग्स ऑल्सो, कॉफ़ी मेकिंग थिंग्स ऑल्सो, सो आई कैन कीप ऑल ऑफ दोज थिंग्स ओवर हियर। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी मेरे पास मौजूद है, अभी तो इसमें सिर्फ कोका कोला और पानी वानी पड़ा हुआ है, बट इफ़ आई वॉन्ट आई कैन कीप मोर थिंग्स ओवर हेयर, दैट इज़ बेसिकली आई कीप दम फॉर द गेस्ट्स, क्योंकि मेरे पास अपने कमरे के अंदर एक अपना रेफ्रिजरेटर मौजूद है, तो मैं ज़्यादातर चीज़ें तो वहीं रखता हूँ। यहाँ पे खाली पोर्ट्स वगैरह में, टर्मिनल्स वगैरह पे मैं चीज़ें रख लेता हूँ, कोई मुझसे मिलने आए, मेरे पास बैठने आए तो मैं उसको सर्व करना चाहूँ तो उसको मैं यहाँ से सर्व करवा सकूँ। दैट इज़ प्रेटी मच ऑल द थिंग्स दैट आर इन द पेंट्री एज द नेम सजेस्ट्स। बेसिकली कॉफ़ी वॉफ़ी बनाने के लिए, कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनाने के लिए जगह है। यहाँ पे एक हीटर भी मौजूद है कि अगर आप कुछ यहाँ पे वक्ती तौर पे छोटा मोटा कुछ पकाना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे पका सकते हैं। वैसे तो बेसिकली हमारी गैली होती है जहाँ पे हर चीज़ पकती है, बट फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल हेयर फॉर मी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कैप्टन ऑफिस भी है, तो कैप्टन ऑफिस इज़ बेसिकली दिस प्लेस। सो लेट मी जस्ट स्विच ऑन ऑल द लाइट्स। तो कैप्टन ऑफिस में बेसिकली मेरे बिल्कुल पीछे आपको जो ये सारी की सारी कैबिनेट बनी हुई नज़र आ रही है, इसमें जहाज़ के सारे प्लान्स होते हैं। आपके इंजन रूम के प्लान्स हैं, इलेक्ट्रिकल प्लान्स हैं, आपकी डेक की ड्राइंग्स हैं, एंड दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमें कभी भी कोई स्पेयर चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हमें ऑर्डर करनी है, हमें मालूम करनी है, तो वी कैन फाइंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स फ्रॉम दीज प्लान्स। और इफ़ यू वॉन्ट टू सी द लाइन अप ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स, में कौन सी लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, वायरिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, तो अगेन दैट कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम हेयर। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट स्टफ, ये जगह सिटिंग प्लेस भी है, एक टेबल है, 6 कुर्सियाँ हैं, तो 6 पीपल कैन बी इजिली अकोमोडेटेड ओवर हेयर। यूजली जो थर्ड पार्टीज आती हैं, वेटिंग इंस्पेक्टर्स आते हैं, पोर्ट अथॉरिटीज़ आती हैं, आई यूजली कॉल देम ओवर हेयर ताकि मैं उनको यहाँ बिठा सकूँ और यहाँ पर बैठ के वट एवर वी हैव टू सी, वट एवर वी हैव टू डू, वी एक्चुअली डू दैट ओवर हेयर। उनसे सारी सारी जो मीटिंग्स हैं, डिस्कशंस हैं, एवरीथिंग बेसिकली हैपन्स ओवर हेयर। कैप्टन ऑफिस में बाकी स्टाफ के अलावा यहाँ पे मेरे पास मेरा टेलीफोन भी मौजूद है,
ताकि मुझे अगर किसी को कॉल करना है या किसी को अगर मुझे कॉल करना है तो ही कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन दिस नंबर. बेसिकली दिस नंबर एंड द नंबर ऑफ माई रूम दे आर द सेम. तो जब वो मुझे कॉल करेगा तो मेरे कमरे में जो बेल बजेगी वो बेल यहाँ पे भी बजती है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग दैट वे आई कैन ऑलवेज कॉल एनी बडी फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग दैट आई माइट नीड. इसी जगह को जनाब मैंने जहाज़ की लाइब्रेरी भी बनाया हुआ है बिकॉज जहाज़ पर बहुत सारी जगह तो होती नहीं. सो इसी जगह को मैंने लाइब्रेरी बनाया हुआ है. ये आपको सारी की सारी जो बुक्स नज़र आ रही हैं इसमें नॉवल्स भी हैं बुक्स भी हैं. They are all always over here. कोई भी चाहे तो आके इनको यहाँ बैठ के भी पढ़ सकता है. I have completely allowed everyone. As long as they do not create any mess, I have absolutely no issues. गंदगी फैलाएं यहाँ पे बैठें. बुक्स पढ़नी है बुक्स पढ़ें. If they want to consult any plans, they can always go ahead and consult all the plans. They can always find anything that they like from this office. Only thing they have to do it के वो जहाँ से चीज़ निकालेंगे उनको वो चीज़ वहीं पे वापस रखनी है. प्लान्स भी और बुक्स भी. दैट इज़ दी ओनली रिक्वायरमेंट आई हैव. तो मैंने आपको अपनी पेंट्री दिखा दी. मैंने आपको अपना ऑफिस दिखा दिया जहाँ पे बैठ के मैं सब लोगों से मुलाकात करता हूँ. आई थिंक नाउ इट इज़ टाइम टू हेड इन साइड माई डे रूम एंड द बेडरूम. सो लेट्स गो. मेरे कमरे में जब आप अंदर आएंगे और दाखिल होंगे तो आई थिंक पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो मेरा ये टेबल है. दिस इज़ अ गुड टेबल. ह्यूज टेबल एल की शक्ल में बना हुआ है बिल्कुल. और इस टेबल पे इस साइड के ऊपर मेरा कंप्यूटर रखा हुआ है. दिस इज़ बेसिकली अ विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर. ये ऑफिस ने हमें दिया हुआ है. पर्पज़ इज़ बेसिकली ईमेल स्कैनिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल दोज थिंग्स. ये कंप्यूटर जो है हमारे जहाज के इंटरनेट से कनेक्टेड है. दैट मीन्स के जहाज़ के अंदर के जो इंटरनल सारे कंप्यूटर्स हैं चीफ इंजीनियर के कैबिन में है शिप्स ऑफिस में CCR में है ECR में है दैट इज़ इंजन कंट्रोल रूम. उन सब से ये कनेक्टेड है ब्रिज के कंप्यूटर से कनेक्टेड है. एंड प्लस एट द सेम टाइम दिस कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द इंटरनेट. मैं अपनी ईमेल वगैरह भी सारी की सारी इसी कंप्यूटर पर रिसीव करता हूँ और इसी कंप्यूटर से रिप्लाई करता हूँ. इसी टेबल के ऊपर अगर आप मजीद नजर दौड़ाएं तो मैंने यहाँ पर अपना एक सेटेलाइट फ़ोन यहाँ रखा हुआ है फॉर कॉलिंग पर्पजेज. दूसरा सेटेलाइट फ़ोन मैंने यहाँ रखा हुआ है. ये सेटेलाइट फ़ोन बेसिकली मैं ज़्यादा कॉल्स के लिए यूज़ करता हूँ तो मैंने इसलिए इसको अपने करीब रखा हुआ है. एंड सेकेंडली इट हैज़ लाउड स्पीकर ऑल्सो. सो आसानी रहती है इसलिए मैंने इसको अपने करीब रखा हुआ है. इसको ज़रा दूर रखा हुआ है इसमें लाउड स्पीकर नहीं है. देन आई हैव माई टेबल लैम्प ओवर हियर एंड प्लस आई हैव माई राइटिंग पैड ओवर हियर एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ माई फ़ोन एंड द एयरपॉड्स. तो ये मेरा राइटिंग पैड है. इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए मैंने अपने तमाम के तमाम हाइलाइटर्स को और पेन को भी यहाँ पे रीच में रखा हुआ है. स्टेपलर को भी रीच में रखा हुआ है. तो बेसिकली मैंने इसको अपनी सहूलत के हिसाब से सेट किया हुआ है ताकि मुझे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े. हाथ की रीच में रहे सारी चीज़ें. सुस्ती कह सकते हैं आप इसको. बट इट इज़ ईजी दैट एवरीथिंग इज़ विद इन द रीच ऑफ द हैंड. सैटेलाइट फ़ोन भी और आपके सारे पेपर वेपर और हर चीज़ और कंप्यूटर भी. अगर आप थोड़ी सी नीचे नजर दौड़ाएं तो टेबल के बिल्कुल नीचे यहाँ पे मैंने स्कैनर कॉपियर फैक्स मशीन यहाँ पे रखी हुई मैंने ताकि मैं आसानी से कॉपी कर सकूँ स्कैन कर सकूँ फैक्स कर सकूँ. इसके अलावा रेस्ट करने के लिए अपनी टांगे भी इसके ऊपर रख लेता हूँ. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग. CPU इस तरफ है. दो ड्रॉर्स मेरे साइड के ऊपर हैं विच हैव ऑल द नेसेसरी थिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट मैंने इस साइड को इस तरह से सेट किया हुआ है कि यहाँ पे मेरा ये चार्जर है. दिस इज़ मल्टीपर्पज़ चार्जर. इसके अंदर से 3-4 केबल्स आती हैं USB-C एंड ऑल दोज टाइप्स. फ़ोन चार्ज करने के लिए पावर बैंक चार्ज करने के लिए जिम्बल चार्ज करने के लिए iPad अपना मैंने यहाँ पे रखा हुआ है. मैंने अपने सोनी के हेडफोन्स यहाँ पे रखे हुए हैं. चार्जिंग बेसिकली दिस इज़ माई चार्जिंग स्टेशन. और यहाँ पे चार्जिंग डॉक है जो कि जहाज़ के वॉकी टॉकी को बेसिकली चार्ज करता है. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट आई एम कीपिंग ओवर हियर. इसी टेबल के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे मेरा ये कलर कॉपियर है. दिस इज़ ऑल्सो लेज़र जेट. वो ज़्यादा यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट वाला. ये कम यूज़ होता है. वैसे भी मैं इसको यूज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं करता. थोड़ा स्लो है. ब्लैक एंड वाइट जो है वो ज़रा तेज़ होता है. सो आई लाइक टू यूज़ दैट वन मोर देन दिस वन. ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप यहाँ पे ये दो चीज़ें देखें तो दीज आर द एक्सटर्नल बजर फॉर द सेट सी. इनमर सेट सी हमारे पास होता है. ब्रिज की वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था. उसके अलार्म्स यहाँ पे लगे हुए हैं सो दैट आई एम ऑलवेज अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ अलार्म इज देयर. इसी में अगर आप थोड़ा सा इस साइड पे आ जाए तो ये बेसिकली VHF है. दैट इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो. अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो कैन यू हियर इट. तो आई कैन ऑलवेज यूज दिस. तो मुझे VHF यूज़ करने के लिए भी कैबिन से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन ऑलवेज यूज़ इट वाइल सिटिंग इनसाइड माय कैबिन. ये जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस पर अगेन ये हमारा ये जहाज़ चल रहा है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर इस वक्त. कल बेसिकली हम लोग फुजैरा पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह और आई विल बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम देयर. सो ये आपको जहाज़ चलता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे हर वक्त पता चल रहा होता है अपने कैबिन में बैठे हुए कि हाउ इज़ द प्रोग्रेस ऑफ वेसल. हमारे जहाज़ की स्पीड कितनी आ रही है, पोजीशन क्या है, नेक्स्ट वे पॉइंट कब आ रहा है, पोर्ट पे हम कब पहुंच रहे हैं. ऑल दोज पैरामीटर्स आर ऑलवेज हियर इन फ्रंट ऑफ माय आईज. इसके अलावा ये एक कवर है जिसको मैं अक्सर चढ़ा के रखता हूँ. अभी मैं आपके लिए उतार देता हूँ इसको. ये बेसिकली हमारा कॉन्सबर्ग का अलार्म मॉनिटरिंग सिस्टम है MOS 33. ब्रिज के इक्विपमेंट्स के जितने अलार्म्स आते हैं, इनफैक्ट अगर CCR में भी कुछ अलार्म्स आए तो काफ़ी सारे अलार्म्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं और इंजन के भी कुछ अलार्म्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं. तो आई कैन ऑलवेज सी कि अलार्म अगर कोई आया है किसी मशीनरी का किसी इक्विपमेंट का
तो वो है क्या, बट बेसिकली आई डू नॉट लाइक टू सी, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो ना ये कवर चढ़ा के रखा है, क्योंकि अगर अलार्म आया तो पहले मेरे ख्याल में उनको हैंडल करने देना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो मुझे खुद ही कॉल कर लेंगे। अगर ये अलार्म्स मेरे सामने रहेंगे तो मैं अननेसेसरीली, वो अपना काम भी कर रहे होंगे, मैं फ़ोन करके उनको डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू गिव देम द फ्रीडम ऑफ सॉल्विंग द इशू, ऑब्वियसली दे आर इन फ्रंट ऑफ माय आईज, मुझे पता होता है कि क्या हुआ, एंड देन आई ऑल्सो नो कि उन्होंने किया क्या है, हाउ द रेमेडी वॉज डन, दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम एक्सपीरियंस, लेकिन आई डू नॉट वॉन्ट टू इंक्लूड अननेसेसरीली। अगर आप उस टेबल से थोड़ा सा इस तरफ आएंगे तो ये बेसिकली एक सिटिंग एरिया है मेरे पास, यहाँ पे भी तकरीबन 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अभी जिस सोफे पे मैं बैठा हूँ ये सिंगल सीटर है, सामने सिंगल सीटर है, यहाँ पे 3 सीटर है, सो 5 पीपल कैन बी इजीली अकोमोडेटेड ओवर हियर। यहाँ पे सिर्फ अगर मुझे पर्सनल कोई ज़रूरत हो तो मैं लोगों को बुलाता हूँ, वरना कैप्टन्स ऑफिस में बुलाता हूँ। तो चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, दे आर ऑलवेज वेलकम टू कम हियर। तो हम सब यहाँ पे बैठ के गपशप भी लगा लेते हैं, बातें बातें भी कर लेते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ रिलैक्सिंग एरिया। सामने वाले सोफे पे यूजुअली मैं लेट के टीवी देखता हूँ, कि टीवी सामने बलकट के ऊपर लगा हुआ है। चाय बनाने का सामान जो है वो मैंने यहाँ पे भी रखा हुआ है, चाय बनाने का सामान, पीनट बटर, चौकोस, कॉफ़ी आई थिंक, कॉफ़ी, हनी, पानी की बोतल, क्रीमर, नेस्कैफे गोल्ड, ग्रीन टी, और ये आईफोन का डब्बा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे भी रखी हुई हैं। आसानी रहती है बेसिकली, आपको चाय वाय के लिए किसी के लिए किसी को कॉल नहीं करना पड़ता। ऊपर ये बिस्किट का डब्बा भी एक रखा हुआ है, रिट्स कभी कभी खा लेता हूँ। और चाइनीज़ डैनिश कुकीज़, चाइनीज़ डैनिश कुकीज़। एनीवे, दिस इज़ बेसिकली माई रेफ्रिजरेटर हेयर, छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, मेरे लिए काफ़ी है। इसमें क्या कुछ पड़ा हुआ, जिसमें रेडबुल पड़ा हुआ है, मिल्क पड़ा हुआ है, मिठाई पड़ी हुई है, थोड़ी सी फ्रूट योगर्ट पड़ी हुई है, आई थिंक दैट्स ऑल ओवर हेयर। आई थिंक यहाँ पे इंजेक्शन भी पड़े हैं, हाँ जी, ये सारे के सारे इंजेक्शन हैं, जहाज़ के इंजेक्शन भी रखे हैं, ऐसा कि अफसर नहीं। यहाँ पे ये इंजेक्शन बेसिकली कंट्रोल्ड ड्रग्स होती हैं, तो वो हम हॉस्पिटल में नहीं रखते, कोई जाके वहाँ से निकाल के यूज़ ना कर ले। यूज़ खैर करता तो कोई भी नहीं है, लेकिन रेगुलेशन ये कहती है जी कप्तान की कस्टडी में होनी चाहिए, तो फिर कप्तान की कस्टडी में कप्तान साहब के रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे होते हैं इंजेक्शंस। ये मेरा टेलीविज़न है सैमसंग का, जिसको कि मैं हार्डली यूज़ करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता रहता हूँ फारी टाइम में, टीवी देखने का टाइम नहीं होता। नीचे 5.1 ये DTS सिस्टम भी है, बट आई हैवंट यूज्ड इट दैट मच, वक्त नहीं होता इतना, वक्त नहीं होता इतना। जो फारी वक्त होता है सारा का सारा तो मैं एडिटिंग में लगा देता हूँ, एडिटिंग करने में, वीडियो बनाने में, तो टीवी क्या देखना है। अभी भी मैं आपको बताऊं, रात के ये देखें, रात के 12:30 बज रहे हैं, तो अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा यार वीडियो शूट कर लेते हैं, बाद में तो घर जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आई कैन डू समथिंग बिफोर गोइंग होम। सो आई एम स्टिल नॉट वॉचिंग द टीवी। आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच द डे रूम। आई थिंक नाउ वी शुड हैड इनसाइड द बेडरूम। ओके, सो नाउ वी आर इनसाइड आवर बेडरूम, पर मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करना चाह रहा था। बेसिकली ये मेरी वार्डरोब है, अंदर कपड़े वपड़े रखे हुए हैं, बस दैट्स ऑलमोस्ट ऑल। उसके बाद एक ये नीचे ड्रॉर है, इसके अंदर भी कपड़े ही रखे हुए, नथिंग स्पेशल। और मेन वार्डरोब के नीचे बिल्कुल आपको ये जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे यूजुअली लाइफ जैकेट होती है, इमर्शन सूट होता है, सेफ्टी शूज़ भी रखे हुए, ताकि इन केस ऑफ एनी गॉड फॉरबिड इमरजेंसी आई कैन ऑलवेज टेक दैम एंड वियर दैम। ये मेरा बेड है जनाब, इट्स अ डबल बेड, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ क्वाइट बिग, 6 फुट बाई 6 फुट, सो इट्स क्वाइट ह्यूज। यहाँ पे मेरा वही टेलीफोन रखा हुआ है जो कि बाहर रखा हुआ है, ताकि जहाज़ के लोग मुझे कॉल कर सकें। दिस इज़ कनेक्टेड टू द शिप। बाहर भी एक टेलीफोन है विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द शिप, और कैप्टन ऑफिस में भी एक टेलीफोन था विच इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द शिप। पावर आउटलेट्स हैं यहाँ पे, ड्रायर मैंने रखा हुआ है, चार्जर और हेयर क्रीम वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, बाल छल पिंगी करने के लिए। और जनाब ये है मेरा कंधे आदम आईना, जिसमें खड़ा हो गया अपने बाल बाल कंगी करता रहता हूँ। दिस इज दैट मिरर। तो एक चीज़ मैं आपको और इंटरेस्टिंग दिखाना चाह रहा था, ये मेरे ड्रॉर्स हैं, इनके अंदर बेसिकली मैंने डिफरेंट टॉयलेटरीज रखी हुई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, टॉयलेटरीज हैं, मैकबुक का कवर है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। एक ड्रॉर यहाँ पे है, पेपर्स वेपर्स पड़े हुए हैं, इन्वॉइसिस पड़ी हुई हैं, नथिंग सो मच इंटरेस्टिंग। जाय नमाज रखी हुई है, टोपी रखी हुई है। बेसिकली दिस इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग थिंग। जहाज़ का एक मैंने फ़ोन आपको वहाँ दिखाया, ऑफिस में भी लगा हुआ है, बाहर डे रूम में भी लगा हुआ है, बट दिस फोन इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। दिस इज़ बेसिकली साउंड पावर्ड फ़ोन। पुराने ज़माने में जो होता ना, जो घुमा घुमा के करते थे, वो घुमाने वाला डायल ये लगा हुआ है। आप इसको घुमाएंगे और उसके बाद आप जो है वो डायल पे नंबर सेट कर देंगे कि आपने कॉल कहाँ पे करनी है। ये फ़ोन मेरे बेडरूम में भी लगा हुआ है और मेरे ऑफिस में भी लगा हुआ है।
पर्पज़ ये है कि खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हमारा मेन फ़ोन जो कि इलेक्ट्रॉनिक है वो काम करना छोड़ दे तो हमारा ये फ़ोन हमेशा काम करता रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पे अपने जूते भी रखे हुए हैं क्योंकि आप देख सकते हैं, और ये जो आपको मेरे बैग रखे हुए नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इसलिए कि इंशाल्लाह भाई आपका साइन ऑफ कर रहा है ना, तैयारियाँ चल रही हैं साइन ऑफ की। अच्छा जी, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाथरूम की जाने। बाथरूम में क्या देखेंगे, there's nothing interesting to see in the bathroom, lekin I'll just show you. So this is basically my bathroom. Ye wash basin hai, and then I have a vacuum toilet system. Vacuum toilet system is over here. Bath karne ka jagah wahan pe hai, and then I have shower curtain taki shower curtain wagera laga ke to pani wani bahar na aaye, aap nah sake aaram se. So andar nahi main aapko leke ja raha yaar, it's not much interesting. So this is basically my bathroom, and frankly speaking, it is quite unremarkable. कुछ जहाज़ों के ऊपर बहुत अच्छे वॉशरूम्स होते हैं, बट इस जहाज़ पे इतना अच्छा नहीं है, बट इट्स ओके, आपने कुछ अर्सा ही तो रहना होता है जहाज़ के ऊपर, तो आई थिंक दे आर ओके, दे आर फाइन। इसके अलावा ये आपका पी ए सिस्टम लगा हुआ है, दैट मीन्स पब्लिक एड्रेस सिस्टम। जब भी कोई अनाउंसमेंट होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो मुझे अपने कमरे में आवाज़ आ जाती है। एंड देन देर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू पीपल, एंड दैट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस वन, दिस इज BWMS ब्रिज वॉच मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर ब्रिज के ऊपर कोई बंदा है वॉच कर रहा है, चार घंटे उसने वॉच करनी है, दिन में भी जहाज चल रहा होता है, रात में भी चल रहा होता है, उसको कुछ हो जाए मुझे कैसे पता लगेगा, दैट इज़ हाउ आई नो। हर 12 मिनट में उसने ऊपर से एक अलार्म एक्नॉलेज करना होता है, अगर वो ऊपर से एक्नॉलेज नहीं करेगा तो वो अलार्म फिर मेरे कमरे में बजता है, एंड आई नो के यार देर इज़ समथिंग रॉन्ग। बंदा ऊपर खैरियत तो है, 12 मिनट हो गए बंदे ने कोई अलार्म एक्नॉलेज नहीं किया, अगर वो एक्नॉलेज नहीं करता तो वो अलार्म सीधा फिर मेरे पास आता है मेरे कमरे के अंदर। पीछे आपके जो पोस्टर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, दे आर ऑल फॉर डिफरेंट इंटेंट्स एंड पर्पजेज, और बेसिकली और मैंने एक और काम ये किया है कि मैंने इसके अंदर हवा ऑलरेडी भर ली है, ताकि अभी जब इंशाल्लाह हवाई जहाज में बैठूंगा तो मुझे हवा ना भरनी पड़े। आई कैन जस्ट पुट इट लाइक दिस एंड गो टू स्लीप, एंड आई विल वेक अप इंशाल्लाह वंस आई रीच लाहौर। बाकी डिफरेंट टेबल्स के अंदर ड्रॉर्स हैं, बेड के नीचे ड्रॉर्स हैं, टेलीविजन के नीचे ड्रॉर्स हैं, फ्रिज के ऊपर ड्रॉर है, तो ड्रॉर काफ़ी सारे हैं, स्पेसेस काफ़ी सारी हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर यूटिलाइज फॉर ऑल डिफरेंट पर्पजेज। बेसिकली तो सारी की सारी डिफरेंट फाइलें और पेपर वर्क ही भरा हुआ है, नथिंग एल्स इज देयर, ज़्यादातर पेपर वर्क ही है। और एक और आईना वैसे ये भी है, और इस आईने का मकसद भी यही है कि जब कमरे से मैं बिल्कुल मैं बाहर जा रहा हूँ, अरे बस, और इस आईने का मकसद भी बुनियादी तौर पर यही है कि कमरे से बाहर जाते हुए आई कैन ऑलवेज सी इफ एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। इसके अलावा यहाँ पे ये मेरे हेलमेट्स हैं, एयर मफ्स हैं, गॉगल्स हैं, इफ़ आई एम गोइंग टू डेक और इंजन रूम आई कैन ऑलवेज वेयर देम। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स, I am Zahid Nisar. Allah Hafiz.